अगर पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो हमारे जो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गए हैं। जो 200 का आंकड़ा होता था हमारा, करीब 600 से ज़ायद केसेस हमारे पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग राइज है। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं हर किसी से यही अपील करता हूँ कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, इस पे अमल करें। इससे हम जो इस नए वेरिएंट है, जो इसकी इन्फेक्टिविटी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं आगे स्प्रेड होने से, और हमारे नंबर ऑफ केसेस इसी से लिमिट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारी वैक्सीनेशन जो है वो बूस्टर डोज के लिहाज से अगर हम देखें, जिन्होंने भी वैक्सीन 9 महीने से पहले करवाया है सेकेंड डोज, वो एलिजिबल है। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ में, बाकी बीमारियों में मुबतला है, या 60 साल की उम्र के जायद के जो सिटीजन्स हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो बूस्टर डोज का एहतमाम किया गया है। और लोगों से अपील है कि वो वैक्सीनेट हो जाएं। इसके अलावा जो भी 15 साल की जायद के बच्चे जो हैं, वो भी अब वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। जो उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जाए जहाँ पे भी वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो वहाँ जाएं और वैक्सीनेट हो जाएं।